जियां तुस जानदे हो कि अस अलग अलग इशू लेई तुं'दे सामने आने आं ते जियां तुस सारे जानदे हो कि जम्मू स्मार्ट सिटी बना दा ऐ, मगर स्मार्ट सिटी ते बना दा ऐ मगर इत्थें लोकें गी पानी नहीं मिला दा, बिजली नहीं मिला दी। इस्सै दे विरोध उप्पर मूवमेंट कलगी ने जोरदार तरीके कन्नै रघुनाथ बाजार बिच प्रदर्शन कीता। तुस आपूं गै दिक्खो साढ़े इस खास स्टोरी दे माध्यम कन्नै कि केह् आखा दे न साढ़े लोग और देश विदेश जेह्ड़े श्रद्धालु आए दे ओह् भी केह् आखा दे न। आज मूवमेंट कलकी की तरफ से रघुनाथ बाजार के अंदर एक छोटा सा प्रदर्शन रखा गया है, जिसके चलते हमारे यात्रु जो है बाहर से आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के चलते, वो काफी परेशान होंगे कि यहाँ पे बढ़ती गर्मी को लेके, और जिस तरीके से हमारे दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे वाटर कूलर या फ्रीजर के रूप में आज डस्टबिन बन चुका है, उसको देखते हुए आज यहाँ पे दुकानदार भी परेशान है, श्रद्धालु भी परेशान है, जो कि जम्मू को स्मार्ट सिटी के रूप में जो है दर्शाया जाता है। लेकिन जब यात्रु जब यहाँ से बाहर से यहाँ आते हैं तो रघुनाथ बाजार एक ऐसा मेन बाजार है जहां पे यात्रियों का तांता लगा होता है, लेकिन आज जब यात्रु ये हालत देखते होंगे कि जम्मू के अंदर पानी पीने की सुविधा इस प्रकार है तो वो भी काफी निराश होते होंगे और हमारी स्मार्ट सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते होंगे। ये स्मार्ट सिटी की हालत है, काफी लंबे समय से पानी यहाँ पे शिविर लगाई जाती थी और आज कूड़ा करकट का ढेर बन चुका है और इतनी स्मेल है कि आसपास के दुकानदार जो हैं वो परेशान है लेकिन बोल नहीं सकते। किस लिए? सरकार हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे MLA मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है, हमारे CM यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है उनसे हम एक डेलीगेशन लेके मुलाकात कर भी चुके हैं और फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर स्मार्ट सिटी को अगर ऐसे ही आप दर्शाते रहेंगे तो ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी कोने पे गंदगी की सिटी भी बन रही है और हम चाहते हैं कि ऐसी चीजों को आप देखकर हम उजागर करके आप तक पहुंचाएं और इस चीज को आप देखते हुए, इसको मद्देनजर देखते हुए हमारे श्रद्धालुओं के आगे, दुकानदारों को आगे, इनको सफाई का रूप में इनको देके, इनको पानी की सुविधा, इनको जो सफाई और स्वच्छता की जो है वो सुविधा देके हमारे स्मार्ट सिटी को जो है अच्छा एक रूप, एक दिशा देने का जो कार्य है वो किया जाए। और हम चाहते हैं कि दुकानदार या आसपास के लोग वो भी जो है इस चीज को देखें और अगर गंदगी कोई फैलाने का कार्य करे वो आप उसके लिए जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेन भी आप दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पहले भी कहा डेलीगेशन में कि लोकल लोगों का भी फर्ज बनता है हमारे कॉम्प्रोमाइज करना, हम करेंगे लेकिन जो फर्ज डिपार्टमेंट का बनता है वो अदा आप करें, बाकी फर्ज हम अदा करेंगे, हमारे दुकानदार अदा करेंगे। लेकिन अगर ऐसी चीज रही तो उसके लिए हम हमेशा जम्मू के या कश्मीर के किसी भी कोने में आवाज उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। आज जो एक सांकेतिक प्रदर्शन था वो कल की मूवमेंट की तरफ से, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों से यात्री जो यहाँ आता है वहां पर ये गंदगी का आलम है। दो फ्रिज लगे हैं, JMC का बोर्ड लगा है, कई कमिश्नरों ने यहाँ नेगोशिएशन करके पानी की व्यवस्था की गई है और लेकिन पानी है नहीं। यात्री आता है, टूटी खोलता है, पानी मिलता नहीं, तो आखिर कहाँ से पानी आएगा भाई? पानी किसकी जिम्मेवारी है? ये एक सरकार की है, ये स्मार्ट सिटी के जो ठेकेदार है हमारे CO साहब है, ये उनकी जिम्मेवारी के शहर के अंदर जहाँ बहुत संख्या में यात्री का आगमन होता है वहां क्या पानी की पर्याप्त मात्रा है, वहां क्या साफ सफाई है? ये देखिए गंदगी की यहाँ इतनी बदबू मार रही है और फ्रिज सारे बंद पड़े हैं, क्या ये स्मार्ट सिटी है? ये हम ऐसी देना चाहते हैं? तो इसलिए मेहरबानी करके पानी की व्यवस्था करें, यात्रा के दौरान यात्रियों को ठंडा और साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो ऐसा प्रोविजन ये म्युनिसिपैलिटी विभाग करे। भाई साहब मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जो व्यवस्था में यहाँ कमी आ रही है, गंदगी दिख रही है चारों तरफ, पानी की पीने की सुविधा नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। क्या नहीं तो स्मार्ट सिटी है, पानी देखो यहाँ पर मिलता नहीं, यात्रु आते हैं दूर दूर से, यहाँ पानी तक नहीं मिलता। पहले इससे अच्छा था, जब से स्मार्ट सिटी बनाया उससे बदतर हो गया ये।